हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लटर डिटॉक्स। तो गाइस, आज का वीडियो है लिविंग रूम ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने करंट लिविंग रूम का लिया हुआ है। ये सेटअप काफ़ी टाइम से है, सिमिलर है। आई डोंट हेट इट, बट आई हैव रियली गॉट बोर्ड ऑफ दिस। सो जो मेन इश्यूज़ है मुझे इस लिविंग रूम के डेकोर को लेके, वो है कि ये मुझे काफ़ी डल और अनइंस्पायरिंग दिखता है। स्पेशली ये पर्दे, ये एक्चुअली काफ़ी पुराने पर्दे हैं, हमने अपने पेरेंट्स से ये लिए हुए थे। बाकी घर का भी लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। चूंकि मैं सेम डेकोर देख के बोर हो गई थी, इसीलिए मैंने अभी जो नया लिविंग रूम का डेकोर प्लान किया है वो बोहेमियन थीम से इंस्पायर्ड है। मैंने लिविंग रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, सबका मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो ऊपर में जो लिंक आ रहा है उसको क्लिक करिए, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं। कर्टेंस एक ऐसे फीचर होते हैं रूम में जो सबसे प्रोमिनेंटली दिखते हैं एज सून एज समवन एंटर्स द रूम, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी पे फोकस किया। तो ये किया मैंने कर्टेन्स अपने रूम का चेंज, और एकदम से रूम कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है आपको भी दिख रहा होगा। अचानक से ये थोड़ी सी लाइटनेस आ गई है रूम में, और एक कलर एलिमेंट जो रूम में मैंने ऐड किया है उससे रूम का लुक काफ़ी अच्छे से इन्हांस होके बाहर आ रहा है। ये कर्टेन्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटा कपड़े का नहीं है, बट ये बहुत पतला भी नहीं है, इसीलिए ये राइट अमाउंट ऑफ लाइट रूम में आने देता है, तो मेरा रूम हमेशा डार्क नहीं लगता है। ब्लैकआउट कर्टेन्स बेडरूम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लिविंग रूम में थोड़ा सा अगर नेचुरल सनलाइट आए तो बहुत अच्छा लगेगा रूम। समर्स का मंथ है तो बाहर सनलाइट काफी तेज है, बट रूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही येलोइश टेंट ऑफ सनलाइट ही अंदर आ पा रहा है, और रूम डार्क भी नहीं लग रहा है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी मेरी काफी बचने लगी है। अब चलिए रूम में हम अगला एलिमेंट चेंज करने वाले हैं, वो है डाइनिंग टेबल कवर। ये कवर भी मैंने अमेजोन से लिया है, ये 6 सीटर का कवर है जो कि न्यूट्रल टोन्स में है। इसका प्रिंट बहुत ही सटल है और मेरे बोहो थीम के साथ काफ़ी मैच करता है। डाइनिंग टेबल एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है इस रूम का, इसीलिए मैंने इसमें न्यूट्रल टोन चूज़ किया है कि कल को अगर मैंने एक थीम भी अपने रूम का चेंज किया तो ये सेम मैं डाइनिंग टेबल कवर उसके साथ भी यूज़ कर पाऊँगी। ये एक कॉस्ट सेविंग टिप है जिसे आप अपने घर पर भी ज़रूर यूज़ करिएगा। बिकॉज दिस इज ए लाइट शेडेड टेबल क्लॉथ, इसीलिए इसके ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट टेबल कलर डाल दिया ताकि इसमें कोई दाग इजीली ना लगे। जैसे कि ये जूट मैट है, ऐसे ही स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स आप अपने डेकोर में ऐड कर सकते हैं टू एनहेंस द बोहो लुक ऑफ द रूम। Let us emphasize on small changes that can make a big impact on how your room looks. Amazon में बोहो थीम्स के बहुत सारे कुशन कवर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने अपने थीम के अकॉर्डिंग थोड़े बोहो इंस्पायर्ड एंड थोड़े जूट के कुशन कवर्स Amazon से लिए हैं। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आपको भी ये कुशन कवर्स पसंद है तो आप भी इन्हें परचेज इजीली कर सकते हैं Amazon के थ्रू। क्योंकि अभी समर्स है इसलिए मेरा थीम येलो एंड वाइट है इस लिविंग रूम के लिए। आप मेरे कुशन कवर्स को भी देख सकते हैं, मैंने येलो एंड वाइट बेस पे ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है। थोड़े बहुत न्यूट्रल टोन्स भी मैंने रखे हैं जिन्हें मैं रीयूज़ करती हूँ डिफरेंट सीजन्स में। मेरे पास एक एक्स्ट्रा दीवान कम बेड है जिसको मैंने लिविंग रूम में ही रखा है। मेरे पास पहले से ही कुशन कवर्स थे जो मेरे इस थीम के साथ मैच कर रहे थे, तो मैंने उन्हीं को रीयूज़ किया हुआ है। ओके ओके। मुझे कारपेट्स एंड रग्स का बहुत शौक है, और अगर मैंने अपने लिविंग रूम में कारपेट्स नहीं बिछाए तो मेरा घर लगेगा ही नहीं मुझे, इसीलिए मैंने समर के हिसाब से ये लाइट वेटेड एक रग बिछाया है अपने लिविंग रूम में।
ये भी बहुत इंस्पायर्ड है, रूम को एक लाइटनेस देता है और मेरे कलर स्कीम से बिल्कुल मैच करता है। तो ये है रग के साथ लिविंग रूम का फाइनल लुक। अब मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स अपने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में ऐड करने वाली हूँ जस्ट टू एम्पलीफाई द बोहेमियन थीम ऑफ माय रूम। एडिंग ए फ्यू प्लांट्स हेयर एंड देयर बिकॉज बोहेमियन थीम में प्लांट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एज इट कनेक्ट्स यू मोर विद द नेचर। दिस इज अ पाम प्लांट विच इज इजी टू मेंटेन इनडोर्स। गर्मियों में अर्थन पॉट से पानी पीने का मजा ही कुछ और है। इस डिजाइनर अर्थन पॉट को मैंने आइकिया के स्लीक टेबल पे प्लेस कर दिया है। इस वॉल आर्ट को मैंने अमेजोन से परचेज किया है और ये जो वॉल पे आप पेंटिंग देख रहे हैं इसको मैंने अपने स्कूल डेज में बनाया था। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट मकरमे। मैं जितने भी बोहो इंस्पायर्ड होटल में गई हूँ इस तरीके के वॉल हैंगिंग तो जरूर मुझे मिली है। एंड विद एन एडिशनल शेल्फ इट इज ऑल्सो क्वाइट फंक्शनल। अब मैं कर रही हूँ रूम का फाइनल लुक रिवील। ये दोपहर का टाइम है और रूम में सारे लाइट्स ऑफ है, फिर भी नेचुरल लाइट में रूम कितना प्यारा लग रहा है। लेटर ऑन मैंने डिसाइड किया कि मैं लिनन का व्हाइट कलर का पर्दा भी ऐड करूंगी क्योंकि थोड़ा ज्यादा येलो हो जा रहा था एंड आई नीडेड टू ब्रेक दैट। चलिए ये देखते हैं कि नाइट लाइट में कमरा कैसा लगता है। कमरा अभी भी बहुत ही लाइट एंड एयरी लग रहा है। नाइट लाइट में आपको इन पर्दों का असली रंग अभी समझ में आ रहा होगा। ये है गाइस रूम का पूरा लुक। होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा और आप भी इससे इंस्पायर हुए होंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। बाय बाय।